जनपद में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ प्रभावित 131 गांवों में लोगों की सुविधा के लिए 148 नाव लगाई गई है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सोमवार को बासगांव क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ बचाव कार्यों का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की सहायता करने का निर्देश दिया। हालांकि रोहिन नदी के खतरे के निशान से नीचे आने एवं राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार दूसरे दिन कमी दर्ज होने से प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बासगांव क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ बचाव कार्यों के निरीक्षण के दौरान उपस्थित न रहने पर स्थानीय चिकित्सा अधिकारी एवं पशुओं के चारा की व्यवस्था न होने के कारण पशु चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। जिलाधिकारी ने सभी SDM, तहसीलदार एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने बासगांव और गोला तहसील के बाढ़ प्रभावित गाँव करंजही, नवापार, आईमा, कतरारी एवं धसकी का निरीक्षण किया है। उन्होंने मलाव बांध तथा कनेल मजगावा बांध पर एकत्रित हुए ग्रामवासियों से बात की। उन्होंने कहा कि राशन किट का वितरण निर्बाध रूप से कराया जाए। वो 40 गांव जो तुम्हारे तहसील में इसी तरह है और उधर भी है। इस तरफ कितने? इस तरफ तो यही गांव है, एक जो है वो लखनौरी है, लखनौरा है, कई गांव है साहब, सब सब हम लोग यहाँ 10 गांव है। अनूप अनूप राशन सभी जगह बटा? बिल्कुल हाँ, बट गए, फिर दोबारा बटने चले। और ये कितने भी गांव इस तरफ आते हैं? सारे के सारे सर। अभी आप राशन किट कब बांट रहे? राशन किट सब जो है वहाँ बट रहा है, सीधे सीधे हर गांव में बटना है। इस टाइम में नहीं बांटोगे तो कब? सीधे गांव बट रहा है।